तो अब सवाल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये मैं कराऊंगा, 14, 15, 15। अगली क्लास में आप 20 तक क्वेश्चन करें होमवर्क में, अप टू 20। मैं 20 क्वेश्चन के सारे डाउट लूंगा अगली क्लास में। टॉपिक देखो जो कराना था वो हो गया, अगली क्लास में मैं 20 तक क्वेश्चन जो भी बताओगे आप कमेंट में, मैं उन सभी को बोर्ड पे करता जाऊंगा। तो 20 क्वेश्चन तक के क्या लेने वाला हूं मैं अगली क्लास में, डाउट लेने वाला हूं। तो 20 क्वेश्चन के डाउट होंगे, तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। है किसी का कोई डाउट? यस, सचिन का डाउट आ गया। यस सचिन, सर वो फॉर्मूला समझ नहीं आया, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू एम प्रॉफिट इनटू एमओएस का परसेंटेज। कौन सा? अच्छा, वो हाँ जिस पे मैंने स्टार बनाया था ना, जी, हाँ जी, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, वो अलग से बीच में आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। ठीक, ठीक है सर। नाउ तुषार। सर मेरा डाउट ना लास्ट वाले क्वेश्चन जो भी आपने कराया है उस वाले, बताइए इसमें क्या डाउट है। सर इसमें जो आपने एक चीज मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसमें ना हाँ सर इसमें इसमें ना एमओएस दे रखा है सर, थर्ड वाला पार्ट जो आपने स्टार बनाया हुआ है, हाँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि एमओएस दे रखा है परसेंटेज में और प्रॉफिट दे रखा है अमाउंट में, तो ठीक सर है, ना हम पीवीआर निकल जाएगा हमारा अमाउंट में। पीवीआर हमारा अमाउंट में निकल जाएगा, नहीं निकल सकता ना पीवीआर अमाउंट में। प्रॉफिट सर इसका फॉर्मूला होता है ना एमओएस परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। अपन, लेकिन उसके अंदर एमओएस आपका परसेंटेज अप्लाई नहीं होता, वहां पे एमएस अमाउंट वाला अप्लाई होता है। अच्छा हाँ इसलिए, नहीं तो मैं वो भी सोच रहा था कि यहाँ निकल जाएगा, लेकिन वहां पे आप देखोगे स्पेशली मैंने लिखा हुआ है अमाउंट वाला ही ये फॉर्मूला है। कहाँ गया ये रहा, देखो यहाँ रुपीस लगा रखा है मैंने, तो यानी अमाउंट में आएगा, ये परसेंटेज नहीं निकालेगा कभी भी। परसेंटेज तो ये निकाल सकता है हमारा। ठीक है, तो सर इस फॉर्मूले में यहाँ पे फिर 100 नहीं आएगा, ये किसमें 100? फॉर्मूला है यहाँ पे नहीं? नहीं, इनटू में 100, हाँ उसमें इनटू में 100 है ना, तो मैं पॉइंट में लगा देता हूँ नीचे, जैसे कि मान लो अच्छा कला ठीक है सर, मैं आ गया पॉइंट वो। ले रहा हूँ तो 100 है ही, हो ही गया ना। ठीक है सर, यस राजलक्ष्मी, हाँ जी बताइए। ये था ना इलस्ट्रेशन नंबर 8 का 6th पार्ट, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो आप। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का 6th पार्ट है ना, ये हमारा यस सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, और 5 और 6th पार्ट कहाँ गया? 6th पार्ट है इसका, नेक्स्ट पेज पे है, ये है 6th पार्ट, ये तो 7 है, 7 है, 6th पार्ट कौन सा है? यही तो है 6th पार्ट, इसमें बताओ क्या डाउट है? ये 6th पार्ट है, ये पार्ट 6 है, एक क्या डाउट है? बार सबसे पहले ये समझ में आया कि आपका ये 80% आ गया। ये सर अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवीआर होता है, पीवीआर का परसेंटेज हमारा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हमेशा होता है, इससे हमने कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाल लिया एक, हमारे पता चल गया 30%। कंट्रीब्यूशन का अगर हमें परसेंटेज पता चल जाए तो एमओएस क्या कहता है हमारा, एमओएस कहता है कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें पीवीआर का भी परसेंटेज पता चल गया। एमओएस क्या कहता है कि अगर आप क्या करोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अगर आप रखते हो पीवीआर, तो हम निकाल लेंगे एमओएस इन द टर्म्स ऑफ सेल्स में। अगर एमओएस आपको सेल्स में पता चल गया तो एक्चुअल सेल्स के हिसाब से हमने टोटल सेल्स निकाल लिया, यहाँ पे टोटल सर सेल्स लेकिन आपने एएस लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल क्या लिखा है? एक्चुअल सेल इक्वल टू 5 लाख लिखा है आपने। हाँ एक्चुअल सेल्स, टोटल सेल्स 5 लाख है, और टोटल सेल्स होता क्या है हमारा, टोटल सेल्स होता है हमारा ब्रेक इवन सेल्स
और प्लस में एमओएस का सेल। तो अगर आपको टोटल सेल्स पता है और आपको परसेंटेज पता चल गया ब्रेक का 80% है, तो 80% ही होगा ना हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का भी सेल। सर मैं ये बोल रही थी ना, जैसे आपने एमओएस का परसेंटेज ये लिखा है, हाँ एमओएस अपॉन एक्चुअल सेल, लेकिन फिर हाँ आपने पुट एएस करके लिखा है, ऐसा क्यों? एएस को ही एक्चुअल सेल्स कहते हैं, इसको डिवाइड करके इसको इधर ले गया मैं। हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब आगे सर। थैंक यू सर। यस है ना, बताइए। हाँ जी हिना बताइए। सर मैं ये बोल रही थी, जो आप क्वेश्चंस होमवर्क दिए ना, आप उसके पीडीएफ डाल देना। हाँ, वो डल जाएंगे कल पीडीएफ आपके। और सर एक चीज और पूछनी थी, आपने कोर्स शीट के सर पीछे के एक्सरसाइज के आंसर नहीं डाले। सर पीछे के उसके भी डाल देंगे, कॉस्ट वाली क्लास में उसमें भी डाल देंगे, ठीक है ना? हाँ जी सर, वो डाल देना, बस यही पूछना था। ठीक है। हाँ जी अभिषेक, हाँ जी अभिषेक बताइए। सर 9th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट एक बार बता दो। किसका? 9th क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। 9th क्वेश्चन, 7, 8 और ये रहा 9। 9 का कौन सा पार्ट? फिफ्थ? फिफ्थ पार्ट। ये वाला हाँ जी हाँ जी देखो, यहाँ पे दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ये यूनिट में दे रखा है, ठीक है ना? और यहाँ पे जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है और फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला खोल लिया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवीआर, यही करा था ना मैंने। नहीं, यहाँ से किया, यहाँ से ब्रेक इवन, यहाँ पे सीपीयू वाला भी फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से हमें ना एक ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट कितना है हमारा, 10,000। और जो हमारा सेल्स होता है ना, सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल प्लस में एमओएस का सेल। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स हमें पता चल गया 10,000, एमओएस का सेल्स पता था 14,000। तो हमें पता चला कि ओवरऑल हमने सेल्स 14,000 यूनिट का किया और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन जो था वो कितने का था, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन सर, एक जी यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारा था यहाँ पे 3 रुपए। तो 14,42,000 रुपए निकल गए हमारे, अच्छा ठीक है सर ठीक है? जी। यस बताइए। सर 7th क्वेश्चन में एक नेट प्रॉफिट और निकालना था। 7 प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट वो तो निकल जाएगा, वो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, मैंने छोड़ दिया उसे जानबूझ के। 7 क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया कि नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर आपको पता चल गया ब्रेक इवन पॉइंट और आपको सेल्स भी पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। मैं निकाल ही देता हूँ, कहाँ गया? आपको सेल्स पता है सर, सेल्स कितने का है, 1 लाख का। माइनस कर देते हैं वीसी, वीसी का परसेंटेज कितना दे रखा है। अगर पीवी का परसेंटेज आपका ये है तो वीसी का परसेंटेज भी 50% होगा, तो वीसी आ जाएगा सर 50,000। तो कितने आ गए सर, 50,000। एफसी आपको दे रखा है क्या, देख लेते हैं एफसी पूरे क्वेश्चन में है क्या, या हमने निकाला एफसी। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया ना हमने, यहां से एफसी निकाल लो। कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफसी डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता है 60,000, 6 लाख। तो 6 लाख इज इक्वल टू एफसी नहीं पता, पीवीआर पता है, पीवीआर 0.5 है, मल्टीप्लाई करो 3 लाख आ गया हमारा एफसी। तो सर 3 लाख, यहाँ 5 लाख था, ये भी 5 लाख है, 3 लाख यहाँ से माइनस कर दो, तो 2 लाख रुपए हमारा क्या आ गया सर, प्रॉफिट आ गया, यस सर। ठीक है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।